हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नीलू रोहनी व्लॉग्स। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नवरात्रों के पांचवें दिन माता की किस रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का पांचवा दिन है। इस दिन माँ संकट माता की पूजा की जाती है। ममतामयी माँ संकट माता संकट कुमार भगवान कार्तिकेय की माता है। देवी की गोद में संकट देव बैठे हुए हैं। माँ संकट माता विद्यावाहिनी, महेश्वरी और गौरी भी कहलाती है। माँ संकट माता का स्वरूप बहुत अद्भुत है। देवी संकट माता की चार भुजाएं होती हैं। इसमें देवी के दो हाथों में कमल, एक हाथ में कार्तिकेय भगवान है, वहीं एक हाथ अभय मुद्रा में है। देवी संकट माता कमल पर विराजमान होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस देवी की सच्चे मन से पूजा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ संकट माता को माँ दुर्गा के सभी नौ रूपों में सबसे ममतामयी माना गया है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की असीमित प्राप्ति होती है। संतानहीन या संतान की अभिलाषा रखने वालों के लिए इस व्रत का खास महत्व होता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से सूनी गोद जल्द भर जाती है। इसके अलावा माँ अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती है, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर करती है। माना जाता है कि माँ संकट माता की पूजा करने या उनसे संबंधित कथा पढ़ने या सुनने मात्र से भी संतान सुख के योग बनते हैं। संकट माता ज्ञान की देवी है। इनकी कृपा से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ और विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। संकट माता को श्वेत यानी सफ़ेद रंग अति प्रिय है। पांचवें दिन पूजा के समय माँ संकट माता को केले का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है, इसलिए माता को इसका भोग अवश्य लगाएं। संकट माता को धूप, पुष्प, पान, सुपारी, बताशा एवं लौंग आदि चढ़ाएं। उसके बाद संकट माता की आरती करें। आरती के बाद शंख बजाएं और जहां संकट माता की प्रतिमा को स्थापित किया है वही माँ को दंडवत प्रणाम करें। माँ संकट माता को पीले वे सफ़ेद रंग की वस्तुएं प्रिय है, इसलिए उन्हें केले, बेसन के लड्डू, केसर की खीर या फिर कोई अन्य पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं। माँ संकट माता के प्रिय फूल की बात करें तो वो कमल है, इसलिए इस दिन माँ के चरणों में कमल अवश्य चढ़ाएं। तो दोस्तों, अब जानते हैं माँ संकट माता की पूजा विधि। नवरात्रि के पाँचवें दिन यानी आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद अगर कलश स्थापना किया है तो सबसे पहले उसकी पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा और उनके स्वरूपों को फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, वस्त्र आदि चढ़ा दें। इसके बाद भोग में केला, मिठाई खिलाने के साथ बीड़ा का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर माँ दुर्गा चालीसा मंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती पाठ, संकट माता मंत्र स्रोत करने के बाद अंत में आरती कर लें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि नवरात्रों के पांचवें दिन माता के किस रूप की पूजा की जाती है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।